एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े। जी हाँ, तो आज मैं क्या नया लेकर आई हूँ, कुछ खास। जी बिल्कुल खास। नेचर के जितने भी हम करीब रहते हैं उतने ही हम खुश रहते हैं, मन हमारा स्फूर्ति से भरा रहता है। तो इसलिए मैं प्रकृति को बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ अपने जीवन में, और जहां तक कोशिश कर रहती है मेरी कि जो भी मेरे मैं उपाय करूं या जो भी सुझाव मैं देती हूं वो सब बहुत ज्यादा प्राकृतिक होते हैं। मैं एक आर्टिस्ट हूं और आपको तो जैसे पता ही होगा कि आर्टिस्टिक जो नेचर होती है वो हमेशा प्रकृति को ढूंढते रहते हैं, उसी में अच्छा देखते रहते हैं, उसी में नया कुछ खोजते रहते हैं। तो मेरी भी वैसी ही आदत है और जहां पे भी नेचर होती है वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो आज के इस हेयर केयर टिप के बारे में मैं क्या नया कहने जा रही हूँ, नया तो नहीं है लेकिन बस हम लोग अगर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते या वो हमारी नॉलेज में पहली बार आया है तो वो हमारे लिए नया हो जाता है। बालों की लंबाई, जैसे कि आपको पता है बालों का ही मैं हेयर केयर टिप्स हमेशा देती हूँ वीडियोज में अपने, तो बालों का लंबा या छोटा होना तो हमारी अपनी चॉइस है। बहुत से लोग कामकाजी जो महिलाएं होती हैं वो लंबे बालों को संभाल नहीं पाती हैं तो इसलिए वो उसको छोटा कर लेती हैं, और तो छोटे बाल भी लेकिन दिखने तो खूबसूरत ही चाहिए। तो अब बालों में आज का जो DIY है या डू इट योरसेल्फ वो है कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता आजकल बहुत ज्यादा प्रमोशन में है, बहुत से लोग हैं जो कड़ी पत्ता को स्किन केयर में और हेयर केयर में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हो कि जो नॉर्थ के लोग होते हैं, अपने नॉर्थ इंडियन पीपल हैं, वो लोग कड़ी पत्ते का उतना उपयोग उनके खानों में नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम लोग महाराष्ट्र और साउथ की तरफ जाते हैं, स्पेशली तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो इन सब में कड़ी पत्ते का बहुत ज्यादा महत्व है इनके क्विजीन में। हर जो चीज में कड़ी पत्ते का बघार डलेगा, कड़ी पत्ते, चाहे वो उपमा हो, पोहा हो या सांभर हो, तो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल तो हमेशा ही होता है ऊपर से बघार डालने में। और जब मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे वो कड़ी पत्ता एकदम अलग निकाल के रखते थे जब वो सांबर में मिलता था, लेकिन अब उसका पता चला कि वो तो बहुत ही ज्यादा उसमें गुण है और उसको खाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और बहुत से लोग हैं कड़ी पत्ते की चटनी बना के भी खाते हैं, लेकिन बालों में उसका इस्तेमाल कैसे है? तो कड़ी पत्ते का तेल भी बनाया जाता है, लेकिन आज की जो इस वीडियो में मैं कड़ी पत्ते का इस्तेमाल अपने बालों को थोड़ा सा उसमें उनका स्वास्थ्य बढ़े, चमक आए, उसके लिए तो कर ही रही हूँ। उसके अलावा कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी डाले हैं जिससे जो बरगंडी सा कलर है वो थोड़ा और गहरा हो जाए। तो अब जो DIY या प्राकृतिक नुस्खे होते हैं वो फटाफट नहीं होते उनको, ये तो प्रकृति का नियम है, आपको पता ही होगा कि कुछ भी स्लो रहता है, स्लो प्रोसेस है। प्रकृति खुद ही अपने आप में इतनी स्लो है, ऐसे नहीं कि आपने आज पौधा लगाया और वो कल बड़ा हो गया और फल देने लगा, वैसा नहीं है क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो वो अपने हिसाब से अपनी स्पीड से चलती है, और लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं, उसमें जब फल लगते हैं तो वो बहुत बहुत ही खास होते हैं, बहुत अलग होते हैं। तो अभी उसी कड़ी पत्ते को हम कैसे अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज की वीडियो का विषय है। उसमें और मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं कड़ी पत्ते के अलावा वो आप आगे वीडियो में देखिए और इस्तेमाल जरूर कीजिए। लेकिन जैसा प्रकृति का नियम है कि कोई भी वस्तु एकदम से नहीं होती, झट से नहीं होती, फटाफट नहीं होती, उसका एक टाइम होता है जिसमें उसका असर आने लगता है। तो इसलिए आप भी उतना पेशेंस के साथ उतनी अपने अंदर एक इच्छा शक्ति रखिए कि इसका फायदा जरूर होगा, और ये सोच के इसका इस्तेमाल कीजिए तो आपको फायदा जरूर होगा। और जैसा कि देख रहे हैं कि बाल
अच्छे लगते हैं मुझे, और मुझे लगता है कि मैं सबको बताऊं कि बैलों का कैसे देखभाल किया जाए कि उम्र के 50-55 या उससे भी ज्यादा सालों तक बाल अच्छे रहें। तो आगे का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बालों का रंग मेरा आता तो अच्छा है मेहंदी से, नेचुरल हेना का जो मैं एप्लीकेशन करती हूँ, लेकिन उतना भी काला नहीं आ रहा है, थोड़ा तो लालपन लिए है ही। तो अब इसको हम और गहरा कैसे कर सकते हैं? तो जैसे आपको पता ही है कि मैं सिर्फ नेचुरल हेना ही लगाती हूँ, तो अब इसको हम काला और कैसे करें, तो इसके लिए मैंने एक DIY तैयार किया है जिसमें आंवला है, करी पत्ता है, भृंगराज भी है, और ऐसे ये इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने ये तैयार किया है, और देखते हैं कि उसका असर क्या होता है मेरे बालों पर। तो इसको मैं ज़्यादा देर लगा के नहीं रखूंगी, सिर्फ 20 मिनट लगाना है, और कैसे बनाया है वो वीडियो में है, आप देख सकते हैं। तो 20 मिनट के बाद माइल्ड शैम्पू से मैं धो दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि बाल कैसे अच्छे लग रहे हैं। तो एक और जो ध्यान आपको रखना है कि क्योंकि आंवला है और लोहे की कढ़ाई में भीगा हुआ है, तो उससे जो रंग आता है वो काफ़ी काला हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ जब मैं उसको निकाल रही थी तो काफ़ी नेल्स वगैरह काले हो गए, और वो जो स्कैल्प पे रंग जब लग जाता है तो वो निकलना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है कि स्कैल्प पर ना लगे और ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी ना हो उसकी, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही हो, और गर्दन पे भी ना लगे। तो इसलिए आप बहुत ध्यान रखिए कि यहाँ पे बिल्कुल ना लगे, खोल के ब्रश से लगाइए, और हाथ में ग्लव्स पहनना बिल्कुल ना भूलो, तो ताकि हाथ भी हमारे साफ सुथरे और अच्छे दिखें। तो शुरू करते हैं, मैं आपको बालों में लगा के भी दिखाऊंगी और उसके बाद धोने के बाद बाल कैसे कुछ रंग बदला है कि नहीं बदला वो भी मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी। तो फिर चलिए शुरू करें। प्रोटीन, विटामिन और बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर कड़ी पत्ता बालों को मजबूत करता है और उन्हें लंबा, घना व खूबसूरत बनाता है। हमारा दूसरा जो चीज़ है, इंग्रेडिएंट है, वो है सूखा हुआ आंवला, जिसको मैं हमेशा अपने हर रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ। उसके अलावा भी हमारे पास कलौंजी है, जैसा कि आपको पता ही है कि कलौंजी जिसे जो प्याज के बीज होते हैं वो भी बालों के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये सब मैं एक बड़ा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, एक बड़ा चम्मच आंवला, एक बड़ा चम्मच कलौंजी और 10 से 12 डंडियाँ कड़ी पत्ते की। अब कड़ी पत्ते को हमें डंडियाँ इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि बाद में हम उनको जब पीसेंगे तो वो शायद बारीक ना हो पाए, तो उनके पत्ते हम लोग निकाल लेंगे। और कड़ी पत्ते को मैंने पहले धो लिया था अच्छे से ताकि उनमें जो कुछ मिट्टी हो या और कुछ गंदगी हो तो वो निकल जाए। और इसके अलावा आंवले को भी मैं धो के इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत बार मिट्टी होती है। तो इन सबको आप 10 से 12 डंडियाँ आप कड़ी पत्ते की ले लीजिए। और उसके अलावा जो हमारा और एक जो और चीज़ है इस्तेमाल जो हम करेंगे वो है भृंगराज पाउडर। तो अब भृंगराज की ताज़ा पत्तियाँ मुझे नहीं मिल पाई, मैंने ये रेडीमेड जो पाउडर है वो उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी अपने नियरेस्ट कोई भी जो दुकान है या ऑनलाइन आप वहाँ से भृंगराज पाउडर ले सकते हैं। अब हमें एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, कोशिश कीजिए कि कढ़ाई लोहे की हो, एल्यूमिनियम की ना हो। तो उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और फिर आंवले, सूखा हुआ जो आंवला है उसको हम डालेंगे और कलौंजी उसमें डाल देंगे। अब इसमें एक टेबलस्पून मैंने भृंगराज पाउडर का डाला है। अगर आपको पत्ते मिल सकते हैं तो आप एक मुट्ठी भर पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं भृंगराज के। अब इन सब को हमको पानी से मिला लेना है। एक ग्लास पानी में डाल रही हूँ और उनको अच्छे से मिक्स कर लो।
जैसे कि आपको पता है कि भृंगराज एक बहुत ही उपयोगी और औषधीय एक हर्ब है, और जिसको का इस्तेमाल खाने के लिए भी किया जाता है और बालों के लिए, तो ये इसको केश राज कहा जाता है कि बहुत ही बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब हमने गैस को ऑन कर लिया है धीमी आंच पर, और उस पर हम ये कढ़ाई रखेंगे जिसमें हमने सब चीज़ें मिला ली थी पहले से। गैस का फ्लेम आप थोड़ा बड़ा रख सकते हो क्योंकि हमको इसे उबाल आने देना है। तो इसमें उबाल आने दीजिए, कम से कम 10 मिनट का समय लगेगा कि वो अच्छे से उबल जाए, और उसके बाद ताकि जो आंवले हैं वो भी तो उबलने के बाद थोड़े फूल जाएंगे, पानी को पी लेते हैं, तो इसलिए तेज आंच पर भी आप इसे रख सकते हैं ताकि आंवले में उस पानी में उबाल आ जाए। तो यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी बालों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत गुणकारी हैं, और उन सभी का बालों को लंबा, घना और सुंदर बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस पेस्ट में इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे आप अगर आप चाहें तो मेथी का दाना भी इसमें हम डाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पानी में अच्छा सा उबाल आ रहा है और पानी थोड़ा कम होने लग गया है, पानी सूख रहा है क्योंकि जो चीज़ें हमने डाली हैं वो थोड़ा पी भी रही हैं उसको, और जैसे आंवला है वो एब्सॉर्ब कर रहा होता है पानी को और फूलने लगता है, और तो ये सब और जो पाउडर हैं वो भी पानी को एब्सॉर्ब कर लेंगे, तो इसलिए पानी थोड़ा कम होने लग जाएगा। तो हमें पानी को पूरा नहीं सुखाना लेकिन काफ़ी हद तक उसको कम होने देना है, कम कर लेना है, और क्योंकि हमें जो हमारा पेस्ट बनेगा वो लिक्विड नहीं है, वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही होगा, तो इसलिए बहुत सारा पानी रहना नहीं चाहिए। तो एक गिलास पानी लीजिए और उसमें आप ये सब चीज़ें डाल के उसको तेज आंच पर उबालने रख दीजिए। तो पानी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है और रंग भी आप देख रहे हैं कि काला होता जा रहा है, पानी का रंग काला हो रहा है, आंवले का रंग है, भृंगराज का रंग है, फिर कलौंजी भी काली है, तो ऐसे और कढ़ाई भी हमारी काली है। और जब आपको पता ही है कि जो खटाई को हम जब क्योंकि आंवला खट्टा होता है, तो हमको जब उसको लोहे की कढ़ाई के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं तो रंग और गहरा काला हो जाता है। तो गैस बंद करके उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और एक बार ठंडा हो जाएगा तब हम इसको मिक्सर में पीस कर उसका पेस्ट बनाएंगे। अब आप देख सकते हो कि पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, थोड़ा सा ही बचा है, और उतना तो हमें ग्राइंडिंग के लिए चाहिए। तो इसको मिक्सर के एक जार में आप ले लीजिए छोटा बर्तन, और उसमें हम इसको डाल